पटना में आतंकियों के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पटना दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन आतंकियों के निशाने पर थे। इसके लिए 15 दिन से ट्रेनिंग दी जा रही थी। इन लोगों ने नूपुर शर्मा समेत इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों की लिस्ट तैयार की गई थी। राजस्थान के उदयपुर और महाराष्ट्र में अमरावती की तरह बदला लेने की प्लानिंग थी। प्रधानमंत्री के दौरे से एक दिन पहले ही पुलिस ने दो संदिग्ध आतंकी अथर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। अथर ने पुलिस को बताया कि इस मुहिम में 26 लोग शामिल थे, जिसकी पटना में ट्रेनिंग चल रही थी। सभी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई से भी जुड़े थे। इन दोनों की सूचना पर गुरुवार को फुलवारी शरीफ के रहने वाले अरमान वली को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में यह तीसरी बड़ी गिरफ्तारी है। अरमान भी पीएफआई की मीटिंग में शामिल होता था। तीनों संदिग्ध से भी पूछताछ चल रही है। कुल 26 लोगों पर एफआईआर दर्ज है। आतंकियों के पास से इंडिया 2047 नाम के डॉक्यूमेंट भी मिला है। पुलिस के हाथ लगे 7 पेज के डॉक्यूमेंट में पूरी प्लानिंग का जिक्र है। बताया गया है कि पटना के फुलवारी शरीफ के अहमद पैलेस की दूसरी मंजिल को ट्रेनिंग सेंटर बना दिया गया था, जिसमें बिहार के बाहर के लोग भी आ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे से एक दिन पहले यानी 11 जुलाई को शाम को आई इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट पर पुलिस ने नया टोला में छापेमारी कर जलालुद्दीन और गुलिस्ता मोहल्ला स्थित घर से अथर को पकड़ा था। इसके बैंक अकाउंट से 80 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन मिला है। गिरफ्तार आतंकी में एक झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दरोगा जलालुद्दीन और दूसरा उसका साथी अथर परवेज है। इन दोनों पर आरोप है कि मार्शल आर्ट और शारीरिक शिक्षा देने के नाम पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। एएसपी ने बताया कि 2001, 2003 और 2013 में आतंकी गतिविधियों में हुई सभी गिरफ्तारी में अथर बेलर रहा है। पुलिस ने इसका सत्यापन कर लिया है। पुलिस ने इनके ठिकाने पर कई आपत्तिजनक बैनर पंपलेट वीडियो समेत अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। 11 जुलाई से दोनों से पूछताछ की जा रही थी। सबूत मिलने के बाद पुलिस ने बुधवार को दोनों को मीडिया के सामने पेश किया। एएसपी ने बताया कि अथर के विभिन्न बैंकों में 3 अकाउंट है, इनमें 83 लाख रुपीज जमा है। पुलिस का कहना है कि तीनों अकाउंट्स को फ्रीज कराया जाएगा। गिरफ्तार मोहम्मद जलालुद्दीन प्रतिबंधित आतंकी संगठन का एक्टिव सदस्य रहा है। अब यह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का भी एक्टिव मेंबर है। पूछताछ में उसने खुलासा किया है कि पीएफआई के सिमी के पूर्व सदस्यों को जोड़ा जा रहा है। इसके बाद इन्हें जोड़कर एक गुप्त संगठन तैयार किया जा रहा है। इस गुप्त संगठन के जिम्मे एक बड़ा टारगेट दिया गया है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेएन भारत। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।